अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू तो माय चैनल अनदर डे अनदर व्ला माय लाइफ कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब आया था हमारा ग्रॉसरी डे और हम लोग ग्रॉसरी करके आए थे मैंने कहा चले आप लोगों को दिखाती हूँ कि बच्चे ग्रॉसरी गाड़ी से घर के अंदर कैसे लेके जाते हैं नॉर्मली ये मैं आपको दिखाती नहीं हूँ मैंने आज भाई बच्चे कहते थे माँ आएँ हमारी हेल्प करें मैंने कहा नहीं आज मैं कैमरा पकड़ के खड़ी हो जाऊँगी और आप लोग सब लोग आओगे और सारी ग्रॉसरी लेके अंदर चले जाओगे क्योंकि आज हम लोग गए थे सिर्फ सुपर स्टोर एक ही स्टोर पे गए वहीं से हम लोगों ने ग्रॉसरी की हर चीज़ मिल गई थी और ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी चीज़ें पड़ी थी लास्ट वीक आप लोगों को पता है कि हम लोग चले गए थे आउट ऑफ टाउन तो कुछ चीज़ें बची हुई हैं अभी भी बच्चों के स्नैक्स वगैरह बच्चों के जो बच्चे नॉर्मली चीज़ें खाते पीते हैं उनमें से काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी फिर जब हम वहाँ गए थे तो वहाँ से हमने कुछ चीज़ें बाई की थी जब वो हम वापस आए तो कुछ लेफ्ट ओवर इनके पास वो भी था अगर मैं आज ग्रॉसरी ना भी करती तो मेरा गुजारा हो जाता लेकिन क्यों ग्रॉसरी की उसकी एक रीज़न है क्योंकि हमारे पास आ रही है जी सर्दी जी जनाब सर्दी आ चुकी है अच्छी खासी आज की थी हवा में बेशक आपको भी सनी नज़र आ रहा है लेकिन आज हमारे पास फोरकास्ट है जी स्नो की भी तो हो सकता है आज से स्नो स्टार्ट हो जाए तो मैंने कहा इससे पहले कि स्नो स्टार्ट हो जाए हम लोगों ने अभी घर को विंटराइज भी करना है उसके वीडियो में इन शाला तला आज बना दूंगी लेकिन इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वरना ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा आज मैं हमें चूंकि संडे है आद जाना एंड उसके बाबा प्ले करने के लिए लिए गए हैं क्लब वो वापस आ जाएंगे जितने में मैं ग्रॉसरी वगैरह से बैठूँगी तो फिर क्या होगा कि हम लोग अपने घर को विंटराइज कर लेंगे हमें अपनी गाड़ियों को भी थोड़ा बहुत क्लीन करना है वैसे तो क्लीन ही है लेकिन फिर भी एक समर से समर में आपको पता है कि आप बहुत रेगुलरली चीज़ों को मेंटेन करते हैं आराम से हर दो हफ्ते दो हफ़्ते के बाद आप गाड़ी को वैक्यूम कर लेते हैं वॉश कर लेते हैं जो भी करना होता है अभी भी हम लोग बाई वीकली गाड़ी वॉश ज़रूर करवाते हैं ये हमारा रूटीन है नबी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अगर गाड़ियाँ गंदी हो जाएँ या कुछ हो जाए तो उनको होता है कि बाई वीकली तो गाड़ी को ज़रूर वॉश करवाना चाहिए समर में तो हम घर में वॉश करते हैं लेकिन जैसे ही वेदर चेंज होना शुरू हो जाता है तो हम लोग बाहर से जाके इसको टचलेस पे वॉश करवा लेते हैं आ, तो आज हमारा प्लान है नवीद मुझे बोल के गए थे कि मैं वापस आऊँगा और अगर स्नो ना हुई तो हम घर को थोड़ा विंटराइज़ भी, भी करेंगे और गाड़ियों को भी क्लीन कर देंगे क्योंकि फिर ये हो जाएगा पूरे अनटिल समर आएगा हम लोग गाड़ी को वैक्यूम नहीं करते ऑल दो के आप जब गैस स्टेशन पे जाते हैं वहाँ पे बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं कि अगर आप चाहें आप उसको uh, वहाँ पे क्लीन कर सकते हैं लेकिन इतनी ठंड होती है कि मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं बनता और विंटर में गाड़ियाँ बहुत गंदी और मैसी हो जाती हैं क्योंकि बच्चे जब गाड़ी में बैठते हैं या हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो आपके स्नो बूट्स होते हैं आपके बूट्स ज़्यादा स्नो लगी हुई होती है तो वो आप अंदर लेके आते हैं फिर वो वहाँ पे वो इतने स्लशीज़ बन जाती हैं वो लाइक बहुत गंदा काम होता है लाइक मैं आपको दिखाऊँगी इस दफ़ा इन शाह तैयार आपको ये पूरी चीज़ें डिटेल से हर चीज़ दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हम लोग कैसे चीज़ें चेंज होती जाती हैं स्लोली 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 तो ये अभी देखें सारे ग्रास वगैरह ये प्लांट जो हमारा बेचारा वो भी मर चुका है सर्दी की वजह से इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने विंटराइज़ करना है आ, इसको कट डाउन करेंगे चीज़ों को समेटेंगे गार्बेज करेंगे सारी चीज़ें करनी है उसका मैंने व्लॉग तो आज बना लेना लेकिन इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है और मुझसे फिर इतने लंबे व्लॉग की वॉइस ओवर नहीं होती अगर मुझे वॉइस ओवर ना करना हो फिर तो मैं बहुत लंबे लंबे व्लॉग लगाऊं लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाता है कि अपलोड करने का टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर आप थक जाते हैं इंतज़ार कर कर के मुझे अपने टाइम से आगे नहीं जाना होता मुझे एग्जैक्ट अपने टाइम के ऊपर अपने व्लॉग को अपलोड करना होता है इसलिए मेरी कोशिश होती है कि चलो जितनी मैं कम चीज़ें कर सकती हूँ उतनी कर लूँ लेकिन अपने टाइम के ऊपर मैं कर लूँ लेकिन मोस्टली डेज़ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं नेक्स्ट डे आपको दिखाती हूँ लेकिन वो की मैंने एक दिन पहले होती हैं क्योंकि घर में तो इतने काम हो रहे होते हैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं तो इन शाला भी आपको दिखा दूंगी कल या परसों इसका ब्लॉग लगा दूँगी और आपको ये भी दिखाऊंगी कि फर्स्ट स्नो जब होगी क्योंकि तो आज प्रडिक्शन है कि स्नो होगी आज कल और परसों तीन दिन की है और फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट है तो फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट में कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ हो जाती है कभी ऐसा होता है कि स्नो नहीं भी होती है लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे ही जब मैंने ये व्लॉग बनाया था उस वक्त तो सनी था लेकिन जैसे ही शाम हुई थी तो दोपहर के वक्त एक्चुअली दोपहर के वक्त हल्का क्लाउडी होना शुरू हो गया था तो और हल्की हल्की फ्लरिस वगैरह भी होनी शुरू हो गई थी लेकिन वो भी ऐसे जमी नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी उसको थोड़ा सा फ़िल्म किया मैंने कहा आपको दिखाऊंगी कि कब स्नो हो रही है इस दफ़ा तो स्नो काफ़ी लेट हो गई नॉर्मली ऐसा होता था कि अक्टूबर में स्नो स्टार्ट हो जाती थी हम जिस जगह पर रहते हैं एलबेटा में अलबैटा ठंडा है यहाँ पे प्रेरीज हैं तो यहाँ पे स्नो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है कंपेरिटिवलीटेरियो uh, वगैरह के पहले हम ओंटेरियो में थे वहाँ पे भी स्नो होती थी लेकिन अलबैटा में स्नो भी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज्यादा माइनस में जाता है लाइक पिछला साल तो बहुत देर से स्नो आई थी लेकिन इतना ठंडा वेदर रहा था और काफ़ी ऐसा वो लंबा चला था विंटर तो इस दफ़ा देखते हैं क्या होता है कितनी देर ये वेदर चलता है कितनी देर हम लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है जब किसी जगह पे आप रहते हैं तो आपको उनके प्लस नेगेटिव पॉइंट्स सबके साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो एलबेटा इतना अच्छा लगता है और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे तो अब यहाँ का विंटर भी बुरा नहीं लगता हाँ विंटर ओवरऑल मुझे पसंद नहीं है वेदर क्योंकि स्नोफॉल और स्नोफॉल भी वैसी कि जो आपने कभी कभी देखनी होती तो आप बड़ा उसको कहते हैं ना आइडियलाइज़ करते हैं बड़ा आप उसको सोचते हैं कि कैसा फ़ील होगा स्नो में जाएंगे लेकिन जब आपको स्नो में रहना पड़ता है तो वो बिल्कुल ही सनैरी डिफरेंट हो जाता है तो इन शाला तैयार आपको सारी जो जर्नी आप देखेंगे अगर आप लोगों ने बाद में ज्वाइन किया पिछले विंटर्स में आप लोगों ने मुझे मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ था तो आपको पता नहीं होगा अदरवाइज़ मैंने लास्ट विंटर में भी वीडियोज़ वगैरह तो मैं लगाती थी लेकिन इस विंटर में आपको इनशाला तला सब कुछ डिटेल में देखने में मिलेगा तो चले जनाब जल्दी

जी लेटस है आ, क्युकंबर्स, मिनी क्युकंबर्स। बच्चों को लंच में मैं देती हूं। जरूर एक एक देती हूँ उनको मैं ये क्यों बहुत अच्छा ग्रीन चीज़ें आपकी सेहत के लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं एप्पल्स में लेके आई हूँ रॉयल गाला वो वाले एप्पल्स हैं आपको पता है लास्ट काफ़ी दिनों से मैं लेके आ रही हूँ एवरी टू टू थ्री डेज़ जब भी मैं वहाँ स्टोर से गुज़रती हूँ तो मैं एक पैकेट पकड़ लेती हूँ Uh, क्योंकि अगर ज़्यादा पकड़ लेते हैं तो फिर ख़राब हो जाते हैं तो साथ में ले लिए हैं जनाब हमने थोड़े से बनानाज़ हैं अनियंस हैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को सब लोगों को पता ही है कि मैं क्या लेती हूँ तो ये पड़ी है जी पालक पालक के चार पाँच बंचेज़ मैंने पालक के ले लिए हैं और ये बड़ी मज़े की बनती है आपको पता है मुझे बड़ी पसंद है साथ में मैंने ले लिया है सब्ज़ धनिया एंड पुदीना ये दोनों चीज़ें आज इसमें मिक्स हैं तो तीन मैंने लिए थे सब्ज़ धनियों के दो बंजेज़ लिए थे मैंने पुदीना के अनार आ गए हैं जिस सीज़न में जी जनाब अनार मेरे मेरे घर में मुझे नवीद को और जिब्राइल को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो देखें ये इतनी साइज़ के होते हैं काफ़ी मीठे निकलते हैं ये अभी सीज़न है तो बड़े मीठे निकलेंगे बाद में ये बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे पिस्ताशियोज़ मैं लेके आई हूँ विंटर आ रहा है आपको पता है मेरे घर में नट्स खाए जाते हैं लंच टाइम पे अक्सर मैं और नवीद नट्स ही खा लेते हैं तो पिस्ताशियोज़ के टू पैक्स मैंने ले लिए हैं जूसेज़ ले लिए बच्चों के बच्चे स्कूल तो नहीं आजकल लेके जा रहे क्योंकि आई डोंट नो आजकल उनका दिल नहीं कर रहा लेकिन घर में कभी कभी पी लेते हैं साथ में इस दफ़ा ये कुछ सेल पर लगे हुए थे ये शान के मसाले तो उसमें बिरयानी मसाला मैं लेती हूँ तिखा मसाला लेती हूँ और मैं हारी मसाला मैंने लिया मैं बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ एक चाट मसाला मैं इसमें ऐड करती हूँ इसके अलावा मैं और कोई मसाला यूज़ नहीं करती दही फुल्कियों के लिए बूंदी लिया है ये मुझे वैसे ही खाना बड़ी अच्छी लगती है साथ में टमाटर ले लिए हैं रोमा टमाटोज़ लिए हैं डील पर लगे हुए थे जो डील पर लगे होते थे मैं वही लेती हूँ मुझे जायके का कोई ख़ास डिफरेंस फील नहीं होता कि रोमा टोमेटोज ले लो या टमेटोज ऑन वाइन ले लो जो जो भी मुझे डील पर मिलते हैं मैं वो उठा लेती हूँ तो जो अच्छी प्राइस में है वो ग्रैप कर लें ग्रेप्स ले कर आई हूँ ग्रेप्स लंच टाइम के लिए घर में बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं ये केक रस नवीद को इतने अच्छे लगे हैं कि उन्होंने कहा कि ये परमानेंटली आने चाहिए हमारे एवरी ग्रॉसरी डे में साथ में लेके आई रेस्ट बहुत महंगी हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा अब इसमें इतनी मिठास भी नहीं है लेकिन जिब्राइल क्रेजी है अबाउट इनके तो उसके लिए मुझे लेके आनी ही आनी पड़ती है साथ में वेपरेटेड मिल्क के मैंने सिक्स पैक्स ले लिए हैं नवीद चाय पीते हैं आपको पता है आ, बच्चों का फ्रूट स्नैक्स ये तो मुझे ख़ुद भी बड़ी अच्छी लगती है लेकिन आजकल मैं थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर रही हूँ मीठे को क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी में ये जंक वाला मीठा काफ़ी ज़्यादा ऐड कर लिया था तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये मैं कम खाया करूँ इस तरह की मीठी चीज़ें क्योंकि जब मैं ये खाती हूँ ना तो फिर बस मैं खाती ही चली जाती हूँ और साथ में हम लोगों ने ले लिए हैं जी आ, आपको पता है ये बच्चे खाते हैं हमारे गैनोला बार्स हेल्दी ऑप्शन भी है और चॉकलेट भी उनको मिल जाती है तो टू इन वन तो बच्चों को आ, अच्छा लगता है ये खा के एक मैंने डिश सोप लिया आपको पता है बर्तन में ज़्यादा हाथ पे धोती हूँ तो वो मैंने ले लिया एक मैंने सराचा ले लिया ये तो ये मस्ट होती है मेरी एवरी बाई वीकली ग्रॉसरी में आ, ये एक पैक लिया ये एक्चुअली मुझे मिला था मैंने ख़रीदा नहीं है ये मुझे एज अ गिफ्ट मिला है तो वो मैंने ले लिया उसके अलावा ये मैंने लिया है जी टाइट का जो है ट्वेंटी फाइव इसमें एक्स्ट्रा मिल रहे थे मुझे सोप है ये डिश सो डिश सोप नहीं है ये लॉन्ड्री uh, सोप है और इसमें ट्वेंटी फाइव एक्स्ट्रा लोड्स मिल रहे थे तो मैंने कहा चलो ठीक है जी ये भी अच्छी डील है ये भी ले, ले लेते हैं टॉयलेट पेपर्स भी आपको पता है ये मस्ट कुछ चीज़ें तो बड़ी मस्ट हैं इसलिए मैं आज इतनी डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ मैं जब को बोला तुम ऊपर हो तुम आती हो तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है तो मैं खुद बता दूंगी क्योंकि चीज़ें आप लोगों को पता है आप लोग बोर नहीं हो तो इसलिए लेकिन मुझे खुद भी अच्छा लगता है ग्रॉसरी का व्लॉग करना और आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो मैंने कहा चलो ये आपको दिखा देती हूँ कि मैं लेके क्या क्या आई हूँ तो ये देखें वो एक शेल्फ आपको मैंने सारी चीज़ें दिखा दी थी थी आप ये दूसरे शेल्फ के ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या लिया है यहाँ पे हम लोगों ने ले लिए हैं जी जूसेस और जूसेस का आपको पता है मेरा तो ब्रेकफास्ट ही कंप्लीट नहीं होता जूस के बगैर ये जूसेस हैं सारे इसमें कुछ गुआवा के मैंने एक हाथ शायद लिया है और बाकी सारे मैंगो जूस हैं जो तो जाना पीता था वो नहीं मिलता तो अब वो यही पी लेता मेरे वाला जो मुझे अच्छा लगता है मेकाइल के लिए दूध फोश्योर मस्ट होता है ये भी इसका इसके लिए आना मिल्क टू गो जो होता है चॉकलेट वाला मिल जाए फ्रेंच वनीला मिल जाए जो इसको फ्लेवर अच्छा लगता है इनको इसको एक्चुअली ये बॉटल वाला मिल्क अच्छा लगता है जो फ्लेवर मिल जाए ये पी लेता है उसके अलावा हम लोगों ने क्या ली है जनाब हमने आइसक्रीम ली है चार बॉक्सेज मैंने आइसक्रीम के लिए हैं और ये भी ज़बरदस्त होती है जबराइल खाती है शौक से कभी कभी हेर अंदेर हम लोग भी खा लेते हैं सब्ज़ इलायची आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही थी तो मैंने कहा चलो वो लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह में कहवा पीती हूँ तो वो कैे में सब्ज़ इलायची डालती हूँ फ़्राइड अनियन मुझे चाहिए होते हैं कुछ डिशेज़ में मैं डालती हूँ उसके अलावा जब द को अच्छे लगते हैं जिक्रोसॉन्स ये मैंने कॉस्को से लिए थे ये मैंने लिए थे गाड़ी में पड़े थे तो मैं निकाल के लेके आई वो मैंने ले लिए थे साथ में चिप्स है ये सारी की सारी चिप्स है डिफरेंट फ्लेवर्स हैं इसमें डोरीटोज़ है चीटोज है और डरसेट या yeah, यही फ्लेवर हैं इसमें सारे के सारे कुछ ज़्यादा इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जो आप लोगों ने ना देखी हो ये वाली पप्स वाली बहुत अच्छी है अगर आप लोगों को स्पाइसी अच्छी लगती है तो ये ट्राई कीजिएगा मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है साथ में एक मिल्क और ये ली है मैंने प्लम सॉस और साथ में तीन मैंने ले ली, ली योग योगट भी ज़रूरी है घर में क्योंकि दही वाली चटनी तो हर वक्त मेरे घर में बनती है तो साथ में ब्रेड एंड लिए हैं जी बर्गर्स तो ये था जी पूरी की पूरी ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन अच्छी खासी फिर भी हो गई थी हालाँकि मेरा ख्याल था कि मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करके लाऊंगी लेकिन जब मैं करके लेके आई तो अच्छी खासी डिटेल में ही हो चुकी थी लेकिन चलें अच्छा है कि अगले अब एक दो हफ्ते आराम से गुजर जाएंगे बस थोड़ी बहुत चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी वो हम लोग पकड़ लेंगे दैट सेट तो जनाब मैंने ग्रॉसरी वगैरह से मेटी फिर हम कॉफ़ी पीने चले गए कॉफ़ी पी के हम वापस आए तो आज हम आपको पता है कल मैंने घर में बना ली थी फ़िश क्योंकि दि जाना के टूर्नामेंट की वजह से बाहर से नहीं खाया था तो भी हम लोग आ गए हैं जी पिज़्ज़ा लेने के लिए तो पिज़्ज़ा नाइट आज हम सेलिब्रेट करेंगे पिज़्ज़ा प्लस मूवी नाइट और बड़ा ही मज़ा आया क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं संडे वाले दिन कुकिंग करती हूँ और संडे को ही मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो काफ़ी थक जाती हूँ लेकिन आज मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि मैं ग्रॉसरी करके आई थकी हुई थी लेकिन मेरे पास खाना नहीं बनाना था तो मैंने बड़ा इन्जॉय किया मैंने तो नवीद नवीद को बोला ये तो बड़ा मज़ा आया कि संडे को करना चाहिए तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे संडे को बाहर से खाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो हम लेट हो जाते हैं खाना खाने में और अगले दिन फिर नवीद का मंडे बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है नवीद के तीन लेक्चर्स होते हैं तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो संडे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हाँ अगर तुम ग्रॉसरी सैटरडे को तुम कर लो स्विच और हम लोग फिर सैटरडे को ही पिज़्ज़ा खा लेंगे और तुम्हारी ग्रॉसरी डे भी होगी प्लस पिज़्ज़ा एंड मूवी नाइट भी हो जाएगी तो मैंने कहा चले ये भी देखा जा सकता है देखते हैं फ्यूचर में शायद इस पर हम गौ़र फिक्र करें और आज हमने मूवी कौन सी देखी थी पिज़ा के साथ आप लोग ये भी पूछेंगे तो मूवी हम लोगों ने आए देखी थी आज कल हम लोग देख रहे हैं सुल्तान वो मूवी मेरे बच्चों को ये अच्छी अच्छी लगती है सुल्तान है या दंगल है और और बच्चों को एक तीफ़ा इन ट्रबल उनको अच्छी लगती है अरे चार पांच मूवीज़ हैं जो मेरे बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है तो हम जब भी पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं तो यही मूवीज़ लगाते हैं इनका हमें पता भी होता है कि ये मूवीज़ अच्छी हैं हैंज़ आ फैमिली आप सब टुगेदर बैठ के उसको इंजॉय भी कर सकते हैं तो वैसे ना पिज़्ज़ा आ चुका है घर जब मैं घर आई थी तो बच्चों ने प्रेपरेशन करके रखी थी बस अभी हम लोग खाने वाले हैं पिज़्ज़ा साथ हम इंजॉय करेंगे मूवी नाइट और ये था हमारा आज का पूरा दिन इस तरीके से हमने गुजारा है हमारा पूरा दिन उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज के इस दिन का रूटीन भी आपको हमेशा के ब्लॉग्स की तरह बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं करूँगी पिज़्ज़ा एंजॉय और मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद टेक केयर जी अल्लाह हाफिज